गाइस, वेलकम, गुड इवनिंग। राम राम जी, कैसे हो आप लोग? अभी हम छत पे हैं, छत पे ही हम लोग का चाय नाश्ता चल रहा था, तो इग्नोर मानना, कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े दोपहर में ही धुल के डाल दिए थे सूखने के लिए, तो वही सब चारों तरफ फैले हुआ है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो ये बोल रहे थे कि मौसम ऐसा हो रखा है कि चारों तरफ बारिश चलते नीचे। हमने कहा नहीं, वैसे भी कहाँ यार बाहर घूमने जा रहे हैं, घर के अंदर ही रहना है, तो छत पे ही हम लोगों का पिकनिक स्पॉट बना पड़ा है, तो छत पे ही नाश्ता पानी हो गया और हल्की हल्की बूंदाबांदी। सुबह से ही बारिश लगी हुई है, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एनी भी मस्ती कर रही है, तो देखो डकार भी आ गई। एनी मानती नहीं है ना, मिट्टी जो मतलब कंकड़ होते हैं ना, अपने मुंह में तुरंत ही डाल लेती है, तो उसके पापा वही वो देखो निकाल रहे हैं, सुनती नहीं है एक बार में बात। निकालो एनी, सतानी नहीं, मारी खाओगी, तो उसका वही करते हैं, जबरदस्ती करो तो उंगली काट लेती है, ऐसी नौटंकियां उसकी करती। देख सकते हो ना, कपड़ों से पता चल रहा कि इतनी तेज हवा चल रही है। तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। ब्लॉगिंग का ये होता है ना, जब टाइम मिले तब स्टार्ट कर दो, लेकिन अभी ना मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया था, क्यों एक मिनट फोन टिका देती हूँ, क्या क्यों दिमाग खराब हुआ था वो भी बताती हूँ। तो दिमाग खराब हमारा इस वजह से हो गया था क्योंकि अभी मैं एक ब्लॉग अपलोड कर रही, जो मेरा बहुत दिन से पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। मारी पड़ेगी अगर नहीं निकाला तो, निकालो जल्दी, खा गई, बहुत सतानी दे रही है। तो वही ना, मेरा ब्लॉग पेंडिंग में पड़ा हुआ, हम डाल ही नहीं पा रहे, तो वही जैसे तैसे करके मैंने एडिट किया, लेकिन अचानक से एनी जाग गई, तो मैंने पता नहीं कौन सी क्या बटन मेरे से क्लिक हो गई, दब गई धो गई, तो पूरा वीडियो एडिट किया हुआ चला गया। तो अब फिर दिमाग ही नहीं हुआ, दो बार एडिट किया और फिर उसके बाद चला गया। वहां देखो गुस्से में वहां जाके खड़ी हो गई है चुपचाप से कि पापा हमको डांटे नहीं है, देखो। तो वही है ना, तो फिर मैंने कहा चलो नहीं करेंगे, आज नाइट में ही करेंगे अपलोडिंग पे, मतलब एडिट करने में। वो बहुत ही टिपिकल वीडियो हो, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, दो ब्लॉग पहले से ही पेंडिंग है, तो सारे मैं पेंडिंग जल्दी जल्दी निपटाऊंगी। ये वाला ब्लॉग पता नहीं आप लोगों को कब मिलेगा, एक्चुअली आज है थर्सडे है और है आज चार तारीख है, हाँ आज थर्सडे है और 4 तारीख को मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ अपना। कुछ ना कुछ इसको उथल पुथल करनी होती है, ये देख लो अब यही कर रही है, कुछ ना कुछ इसका हाथ पैर ऐसे ही चल रही है। क्या हो रहा है ये, क्या पापा ने कैसे मारा था आपको? ऐसे मारा था, ऐसे मार खाई थी, अरे ऐसे मारा था पापा, मारेगी बाबू वो लेना, ले लो ले लो ले लो, जल्दी ले लो, उठा जाओ हटो। वहां पे बन रहा है मकान, जो मैंने उस दिन बताया था ना, काम चल रहा है पूरा। कपड़े भी मेरे आई थिंक सूखने को आ गए हैं, कपड़े भी उतार लेते हैं। मौसम काफी अच्छे हो रहे हैं आजकल, बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं, चारों तरफ का व्यू देखो ऐसे। मेरे घर के आसपास ना पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने ब्लॉग में अपने हस्बैंड को लेके आऊँ, क्योंकि काफी दिन से काफी लोग मुझसे बोल रहे थे, मेरी फ्रेंड वाइटी फ्रेंड है ना, वही बोल रहे थे, हाँ क्या है मामा गोद में आओगे, तो हस्बैंड जी को लेके, तो मैं सोच रही हूँ आज उनको लेके आऊँ, और जैसे ही लेके आती हूँ कुछ वहाँ पे फिर बात करते हैं, वो मुद्दा देखे कौन सा उठने वाला है, तो अभी पता चलेगा, नहीं आएंगे तो फिर और कोई ब्लॉग इसमें ऐड करेंगे, अपना कंटेंट वही रहेगा, अगर आते हैं तो फिर वही रहेगा, है ना। तो चलो तब तक इनकी शायद मटर गश्ती कर लेते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं, है ना इन्नो, है ना, है ना। गाइस यहाँ पे देख रहे हो ना एनी की कैसे मस्ती चल रही है, और ये भी एनी को लेके आए थे, वो मेरे बाल पकड़ पकड़ के खींच रही थी। तो ऐसे ही हम लोगों की डेली का टाइम यही होता है, शाम के टाइम छत पे जाना और ऐसे ही मस्ती करना। तो कपड़े सारे सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं उतार के रख लेती हूँ, तो वही कर रही थी। हवा भी आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत तेज़ी से चल रही थी, और शाम के टाइम हम लोग डेली ही आ जाते हैं एनी की वजह से, कोशिश करते हैं उसको कहीं ज़्यादा बाहर ना भेजें, तो हम लोग छत पे ही निकल आते हैं। तो शाम के टाइम अच्छा भी लगता है, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, बढ़िया लगता है, तो ऐसे ही मस्ती चलती रहती है, मैं अपने काम निपटाती रहती हूँ, ये एनी को देखते रहते हैं। शाम का टाइम है, यहाँ पे नीचे आ गई थी मैं, तो मैंने कहा चलो एनी को यहाँ पे लीची खिला रही थी, लीची रखी हुई थी काफ़ी दिन से, तो वही सब खाई हुई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ खा लेती, वो अगर कैमरा ज़रा सा भी देख लेती ना तो उसकी नौटंकियाँ चालू हो जाती हैं,
तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ उसके सामने ये सब मैं करूँ ही ना। तो गाइस मेरा खाना पीना बनके रेडी हो गया। आज मैंने जल्दी खाना पीना बना लिया है और मेरा किचन देख रहे हो ना, टाइल्स हटने लगे हैं किचन के, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका तो चलो छोड़ दो। तो किचन पूरी मेरी क्लीन हो गई है, ये देखो पूरा क्लीन क्लीन करके मैंने रख दिया, सब काम हो गया, मेरा खाना पीना बन के रेडी हो गया। अभी 8:30 ही बजा है, लंच डिनर हमारा रेडी हो गया। अभी मैं बनाने आ रही हूँ केक, यानी कि खोए वाला केक मैं बनाने जा रही हूँ। तो आप लोग भी देखो मैं कैसा केक बना रही हूँ। तो हाँ, मम्मी और ये दोनों लोग बैठ के बात कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे मैं मिठाई का केक बनाने जा रही हूँ, जो स्वीट्स पड़ी हुई हैं। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि स्वीट का केक कैसे बनता है, खोए वाला बहुत ही टेस्टी अम्मी सा केक बनाने जा रहे हैं हम। तो देखते हैं, और फर्स्ट टाइम ही मैं बनाने जा रही हूँ, मैंने कभी खुद नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है कैसा नहीं। क्योंकि तो मिठाई रखी है, कोई खाता नहीं है, तो मैंने कहा चलो केक ही बना लेते हैं, है ना। तो बताएंगे आज है क्या और केक आके क्यों बन गया। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं बनाना, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे दूध चढ़ा दिया था, थोड़ा सा खोलने लगा था, उसमें चीनी ऐड करी है और चीनी थोड़ा सा ही डालेंगे अपने अकॉर्डिंग, जितना मीठा आप लोग को खाना है। तो चीनी ऐड कर दी है, चीनी के बाद हम ये जो मिठाई बची हुई है वो मैं आज उसी का केक आप लोग बना के दिखाऊंगी। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, बहुत से घरों में मिठाई आ जाती है वो नहीं खपती है, तो फिर उसका कैसे यूज़ करें। तो मैंने कहा चलो उसका ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, मिठाई नहीं हम लोग इतनी ज़्यादा खा पाते हैं। तो काफ़ी अच्छी थी मिठाई के अलावा आप यहाँ खोया जैसे मावा होता है उसका भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नींबू डाला हुआ है इसमें, जिससे कि दूध फट जाए, फटने के बाद ही केक अच्छा बनता है। जो मावे वाला खोए वाला केक होता है ना, वो जब तक फटेगा नहीं और ऐसा नहीं होगा तब तक वो अच्छा नहीं बनता, दानेदार नहीं होता है बिल्कुल भी। तो एक साइड मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा था, तो वही गर्म हो रहा था। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, नींबू डालते ही 1 सेकेंड नहीं हुआ तुरंत ही दूध फट गया। तो ये देखिए दूध फट गया है, तो अब केक बनने के लिए रेडी है। और यहाँ पे मैंने जल्दी फटाफट से जो मिठाई थी उसको ना मैश करके रख लिया था, ये खोया ही समझ लीजिए, खोए की मिठाई थी, तो आप खोया भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे बस इसको मिक्स करना है, काफ़ी देर ऐसी चलाते रहना है जिससे कि इसे फटे दूध में ना अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं भी यही कर रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, मैंने कहा यार जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है, तो ट्राई करते रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कोई चीज़ ना बना पाओ, माइंड में आया चलो कोशिश करते हैं ऐसे बन जाता है, मेरे दिमाग में था कि ऐसे ही बनता है। तो मैं भी देख रही थी कि ट्राइड हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसको ऐसे धीमे धीमे चलाते रहना है और थोड़ा सा इलायची फ्लेवर भी आप डाल देना इसमें, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे इलायची नहीं डाली। अगर आप लोग डालना चाहते डालें, क्योंकि उस टाइम इलायची मेरे को नहीं मिल रही थी, कहाँ रखी है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं ऐसे ही बना देते हैं। क्योंकि मिठाई में फ्लेवर इलायची का पहले ही से था, काफ़ी अच्छी थी, तो उस वजह से। और वहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को भी बुलाया, मेरे हस्बैंड भी आ जाते मेरी हेल्प कराने के लिए। तो एक भगोना, मतलब जो गहरा टाइप का बर्तन आपको लेना है, या तो उसमें कोई पेपर आता है वो लगा दो, ये कागज़ नहीं लगाना है, वैसे वाले जो पेपर आते हैं। और बस उसके ऊपर मैंने घी लगा दिया चारों तरफ, जिससे कि मैं इसमें ये घोल डालूं तो अच्छे से निकल आए बाद में। तो काफ़ी गाढ़ा कर लेना, ज़्यादा पतला नहीं रखना है, गाढ़ा करेंगे तभी ये जमेगा। तो थोड़ा टाइट टाइट कर लेना, हाथ से पकड़ के देखना है कि वो चिपकने लायक हुआ है या नहीं हुआ है। तो अच्छे से ऐसी बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा लगता है इस लॉकडाउन में और ऐसी परिस्थिति में। घर पे ही केक बनाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये जमने के लिए रख दिया है। इन महारानी को नींद नहीं आ रही है, अभी हम लोग का खाना पीना हो गया, खाना पीना हो जाता हम लोग का टाइम से 9 बजे ही 9:30 तक हो जाता, लेकिन इनको सुलाने के चक्कर में ना, इनको मतलब नहला धुला के कपड़े भी चेंज कर दिए, सब कुछ चेंज कर दिया, खिला पिला दिया महारानी को। हम दोनों लगे पड़े हैं सुलाने में कि मैम साहब सो जाएं। 1 घंटे से कंटिन्यू देख रहे हो ना इसकी शैतानी, उठो उठो, देखो देखो 1 घंटे से कंटिन्यू हम लोग सुलाने की कोशिश कर रहे लेकिन नहीं सोई। तो मैंने इनसे कहा चलो यार ये तो ना सोएगी, हम लोग खाने ही खा लेते। तो अभी से 5 मिनट हुआ, 5 मिनट के अंदर हम दोनों ने खाना फिनिश किया, जल्दी खाया। देख रहे हो ना कितनी देर चिल्ला रही है, सतानी दे रही है बहुत ज्यादा, सोने का नाम ही नहीं ले रही यार, और दिमाग खराब कर देती है। तो
बातों के चक्कर में ना उसके कुछ ना कहने वाले होते हैं तो भूल जाते हैं एकदम से, तो ऐसे ही उसकी नौटंकियां चल रही हैं। और रात का पूरा 11:10 हो गया है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही। क्या है आपको नींद नहीं आ रही है? क्यों स्लीपिंग करो क्या पापा मारेंगे आपको? देखो देखो पिटाई हो गई, उतरो जल्दी। ऐसे ही होगी आपकी पिटाई, नहीं अभी खाया नहीं है, ऐसी पिटाई होगी आपकी। आपको नींद नहीं आ रही है क्या? इतनी शैतानी कर रही है यार, पर परेशान करके रहेगी लड़की। नहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, स्लीपिंग करो पहले। एक अम्मा थी रात में आंधी एक्सप्रेस बनती है पिट गया भी खाने। ये तो कितनी आवाज है, पीछे से आवाज आई होगी ना। क्या बोला आपने? कह रही है एक मैं थी जो रात में क्या बनती थी, आंधी एक्सप्रेस, और बिटिया क्या बन गई? तूफान एक्सप्रेस। देखो क्या नाम रखा है, थोड़ी रोशनी कम लग रही होगी आप लोगों को। और पता है मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। देखो ये हाय कर रही है, हाय कर लो भाई, सब लोग इनको बहुत शौक है हाय करने का, हाय कर लो है। चलो अब जाओ आप वहां लेट जा जाके, हाय हो गई ना अब लेट हो, रुको एक मिनट। तो ये तो ना सोने वाली है, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग की एंडिंग ही कर देती हूँ, आप लोग से बात एक जरूरी करनी थी, मैंने कहा चलो मैं आप लोग को बता देती हूँ, है ना। तो एक बात मुझे आप लोगों को बतानी है, एक मिनट। हाँ रोशनी थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, कि एक कमेंट मेरे पास आया था, एक बंदा मेरे से बोल रहा था एक मैसेज में, आई थिंक किसी ब्लॉग में बोला था, मेरे को इतना एग्जिट याद नहीं है किस ब्लॉग में बोला था, मेरे से ये कह रहा था कि आप हमेशा एक ही वीडियोस में, हर वीडियोस में एक ही ड्रेस पहने रहती हो। तो भैया हम क्या करें, हमारे पास कपड़े ही लत्ते नहीं है, हम तो भाई बहुत ज्यादा ही गरीब इंसान है, देख सकते हो ना पति को। मेरा पति भी मेरे ऊपर रहम नहीं करता है, बिल्कुल कपड़े वपड़े नहीं दिलाता यार, तो एक ही ड्रेस पहनेंगे ना हम, क्या करें। और मतलब बहुत ही अजीब अजीब लोगों के कमेंट्स आते हैं, एक ही ड्रेस है, एक ही कपड़े पहने रहती हो यार, कब मेरे को एक ही ड्रेस में देख लिया हमको ये बता दो। कभी कभार ये होता है कि जैसे ब्लॉग तो हम कंटिन्यू डेली का डालते नहीं है, ठीक है, हम लोग का गैफिंग में चलता है, तो हम लोग डेली आप लोगों को दिखाते नहीं है, कभी कभार का ही चलता है। एनी एक मिनट बेटा साथ हो जाओ, पापा के पास जाओ। तो एक मिनट, तो पहली बात तो मैं डेली तो हम लोगों का कंटेंट हम ब्लॉगर का रहता ही नहीं है, है ना, कभी कभार का ही होता है, तो भाई कभी कभार ड्रेस हेरा फेरी हो जाती है, पहन लेते हैं ये। फिर भी लोगों का अगर ये है प्रॉब्लम कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा वो, हाँ तो भैया नहीं है मेरे पास ड्रेस, ठीक है, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मेरा पति मुझे कपड़े नहीं दिलाता है, मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता है, तो कपड़े वपड़े कहाँ से आएंगे ना। तो ये ओपिनियन ना उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनकी ये है, इसकी लाइट थोड़ी कम हो रही है। तो आई थिंक जब मैं वहां थी मेरे से बात ये बोली थी मेरे मायके में, मैंने कहा बहुत दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, चलो आज बताती हूँ। और मैं मायके में जब गई थी तो पता है भाई, मैं सिर्फ 1 वीक के लिए गई हुई थी, मैं कोई ज्यादा कपड़े लेके नहीं गई थी वहां पे। और 1 वीक के बदले वहां लॉकडाउन लग गया, मेरे को वहीं रहना पड़ गया। तो भाई हर इंसान एडजस्ट कर रहा है लॉकडाउन में, ये वायरस में, तो फिर मैं क्या कोई बहुत बड़ी वो तो हूँ नहीं, फेमस स्टार जो मतलब मैं एडजस्ट ना करूँ। हर स्टार क्या, हर इंसान हर चीज में एडजस्ट कर रहा है, तो मेरे को कपड़ों में क्या, मैं रोज बदल बदल के दिखाऊंगी क्या आप लोग को? बात करने की बिल्कुल तरीका नहीं, बिल्कुल नॉनसेंस टाइप के हो गए हो क्या? कोई तरीका नहीं होता, क्या हो गया, काट लिया है? रुको एक मिनट। तो एनी पता नहीं करो, इन्हों एनी को काट, मतलब एनी को भी काट लिया, तो मैं कुछ भी बोल रही हूँ, एनी ने इनको कट कर दिया था, वो कुछ ना कुछ काटती रहती है। तो आपकी आपकी क्या राय, आप कुछ बताएंगे किस बारे में? लोग बोलते रहते हैं हमेशा कि भैया एक ही कपड़े हम पहने रहते हैं, जो पति एक कपड़ा पहनना है तो बीवी पहनने में का दिक्कत ना।
सुन लो भाई, जब पति ना एक कपड़ों में गुजारा कर रहा है ना, तो बीवी ना इतने शौक सिंगार से नहीं रह सकती ना। आप लोग समझ सकते हो यार, समझदार इंसान हो तो फिर इतना फिर कैसे बोल सकते हो। और भी कुछ कहोगे क्या? सही बात है, मेरे पति को टेंशन नहीं होती कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किससे क्या बात कर रही हूँ, इस चीज की टेंशन मेरे पति को नहीं है ना। बट बाहर वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ। तो ना ये चीज आप लोग ना थोड़ा हमारे ब्लॉग देखने के लिए आते, उनके लिए तो चलो अच्छा है। जो यहाँ पे ना फालतू की गंदगी मचाने आते ना, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी ना, कितनी भी गंदगी करके जाओगे ना, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे ऊट पटांग बोलने से, अपना जाओ काम करो, चलते बनो। तो हमारा यही है। और हाँ, आज हमारा केक मैंने बनाया था, तो केक बन के रेडी हो गया है, तो मैं अभी आगे की क्लिप में ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कितना यम्मी यम्मी सा केक बन के रेडी हुआ है। तो चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आप लोगों से। बाय बाय, गुड नाइट, एनी गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, बाय करो, बाय पापा, बाय करो, बाय। हो गया बाय। देखिए केक मैंने यहाँ से निकाल लिया है पतीले से, और केक बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया आकार आया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। ओके। कभी कभी अच्छा लगता है ना ये सब करना। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने केक क्यों कट किया, कोई नहीं, ऐसे ही बनाया था, बच्चियों से कट करवा दिया। यहाँ नीचे मेरे यार ये प्रीति रहती है, उसकी भतीजी, उसको भी बुला लिया, या एनी को भी, दोनों से कट करवा दिया। तो बहुत ही इंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर देती हूँ। तो ये दोनों खा ही नहीं रही थी, मस्ती कर रही थी। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर एक